पूरे प्रदेश में आज कोई भी वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं। अगर हम किसानों की बात करें तो किसान कर्ज के बोझ में दबा हुआ आत्महत्या करने पर मजबूर है, छोटे बच्चे कुपोषण से मजबूर है, महिलाएं असुरक्षा के चलते रेप और गैंगरेप के मामले में लगातार हम नंबर एक पे बने हैं, युवक बेरोजगार है, छोटे काम धंधे चौपट हो गए नोटबंदी के और GST के चलते, और पूरा एक माफिया राज, एक गुंडा राज ने इस प्रदेश को जकड़ रखा है बीजेपी के इस राज। हर वर्ग चाहता है कि छुटकारा मिले इस सरकार से, क्योंकि पीने का पानी उपलब्ध नहीं है प्रदेश में, पर शराब की दुकानें खोने को नहीं। आज हम देखें कि गरीबी रेखा के कार्डों का फायदा गरीबों को नहीं मिल रहा है, बीजेपी के बड़े बड़े घरों में रहने वाला कार्यकर्ता है उसका लाभ उठा रहा है। आज झूठे केसेस लाते हैं उन लोगों पे जो सरकार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। तो एक ऐसे माहौल से आज जनता परेशान हो गई है, वो निजात पाना चाहती है और आने वाले 28 नवंबर को हाथ के पंजे पे मोहर लगा के इस कुशासन का वो अंत। तो कांग्रेस किस चीज को लेके महिलाओं के लिए आगे आएगी? देखिए, महिलाओं को सबसे पहले किसी भी शासन का कर्तव्य है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे, महिलाओं की शिक्षा हो, वो आगे जाके शिक्षित हो के अपने पैरों पे खड़े रह सके, तो पैसे कमा सके जिससे कि घर में उसका भी योगदान हो। इस और खास तौर पे कांग्रेस ध्यान देगी कि महिलाओं का विकास हो, उन्नति हो, वो आगे बढ़े, परिवार आगे बढ़े और साथ ही साथ समाज आगे बढ़े। लिस्ट कब तक आ रही है? लिस्ट जल्दी ही आएगी, आज CEC की बैठक अभी 4 बजे से शुरू होगी, शाम को लिस्ट।